From the given VT graph, it can be inferred that object is in uniform motion, B at rest, C in non-uniform motion, or D moving with uniform acceleration. बेटा हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, एक वीटी ग्राफ दिया है. वीटी ग्राफ मीन्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ओके, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है. और हमें इट क्या इन्फर करना है, इन्फर मीन्स कंक्लूजन ड्रॉ करनी है, किसके बारे में, उसके मोशन के बारे में ऑब्जेक्ट के, या उसके एक्सेलरेशन के बारे में, ठीक है. तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सिंपल बनाने के लिए मैं इस ग्राफ में कुछ वैल्यूज पुट कर देता हूँ. लाइक इधर हम जीरो लेते हैं जहाँ वी टी, वी वेलोसिटी एक्सिस और टाइम एक्सिस मीट कर रहे हैं, और टाइम ऐसे मार्क कर लेते हैं 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड और 4 सेकेंड तक टाइम मार्क कर लिया. और यहाँ पर वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, और ये 4 मीटर पर सेकेंड और 6 मीटर पर सेकेंड मार्क कर ली इसने. टाइम किस में बेटा, इन सेकेंड, और वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड, ओके. अब हमें ऑप्शंस को वन बाय वन कंसीडर करना है. मैं ऑप्शन डी से स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा, इसका एक रीज़न है दैट यू विल नो व्हेन वी विल फिनिश द क्वेश्चन. मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, बेटा अब एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज एक्चुअली चेंज इन, एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी में किस रेट से चेंज आ रहा है. और इसका फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल टू वी, वी मीन्स फाइनल वेलोसिटी, माइनस यू इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन. तो बेटा रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, यहाँ पर तो बेटा वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही, वेलोसिटी तो कांस्टेंट है 4 मीटर पर सेकेंड में. देखो फर्स्ट सेकेंड में भी 4 मीटर पर सेकेंड है, सेकेंड सेकेंड में भी 4 मीटर पर सेकेंड है, थर्ड सेकेंड में भी 4 मीटर पर सेकेंड ही है. तो देर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि अगर हम इस फॉर्मूले से भी करें ना, मान लो 1 से 2 के बीच की मैं एक्सेलरेशन निकालना चाहूँ फ्रॉम 1 to 2 सेकेंड, तो देखो 6 फाइनल वेलोसिटी 6, इनिशियल वेलोसिटी भी 6 और टाइम 1, 6 माइनस 6 0, 0 अपॉन 1 0, यानी कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है. तो जब एक्सेलरेशन नहीं है तो बेटा यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म की बात ही नहीं हो सकती. सो मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इसका आंसर नहीं हो सकता. अब ऑप्शन सी में आते हैं, इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन मीन्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. तो इसका मतलब है अगर हम स्पीड हमारी या वेलोसिटी कितनी है बेटा, कॉन्स्टेंट है विच इज 4 मीटर पर सेकेंड, मतलब एवरी सेकेंड कितनी डिस्टेंस कवर हो रहा है 4 मीटर. तो अगर बेटा हम टेबल बनाए ना डिस्टेंस और टाइम का, देखो इधर मैं लिखता हूँ एस फॉर डिस्टेंस, टी फॉर टाइम. फर्स्ट सेकेंड में 4 मीटर डिस्टेंस कवर हो रहा है, 2 सेकेंड में 4 × 2 = 8 होगा, 3 सेकेंड में 4 × 3 = 12, और अगर 4 सेकेंड में 16. तो एवरी सेकेंड डिस्टेंस कितना इंक्रीज हो रहा है, बाय 4 मीटर, 4 मीटर हर सेकेंड इंक्रीज हो रहा है. तो ये अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो नहीं हुआ ना, यानी कि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी नहीं है. सो ऑप्शन सी को भी आप क्रॉस आउट कर सकते हो. एट रेस्ट, रेस्ट में तो नहीं है बेटा, बिकॉज एक कॉन्स्टेंट स्पीड से जो ऑब्जेक्ट है मूव कर रहा है, कॉन्स्टेंट स्पीड से, वो स्पीड क्या है, अज्यूम करिए हमने 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है एट कॉन्स्टेंट स्पीड, तो रेस्ट पे भी नहीं है. हाँ ऑप्शन ए इसका आंसर होगा, इन यूनिफॉर्म मोशन,
यूनिफॉर्म मोशन मीन्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम को आप यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। और देखो बेटा, यहाँ पर हर सेकंड में 4 मीटर डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है ना। देखो फर्स्ट सेकंड में 4 मीटर, सेकंड सेकंड में भी 4 से 8 हुआ, थर्ड सेकंड में भी 8 से 12 हुआ, यानी कि 4 मीटर हर सेकंड में इंक्रीज हो रहा है। तो इक्वल डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो यानी कि जो ये मोशन होगा ना ऑब्जेक्ट का वो यूनिफॉर्म होगा। सो वी कैन से दैट ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। तुम्हारा आंसर हुआ ऑप्शन